अपना पासपोर्ट दो, तुम्हारा भी वीजा प्रोसेस करवा देती हूँ, हमारे साथ चलो। वैसे भी तुम जैसों को स्पाउस वीजा ही मिलता है अपने बलबूते पे। नहीं नहीं भाई, मैं अपनी फैमिली को तो नहीं छोड़ के जा रहा किसी भी कीमत पर। आगे आप लोगों की मर्जी है। नैन तारा को तुम्हें क्या अच्छा लगा मिया? सर शायद मेरा स्टैमिना। क्या सर? मोहब्बत ही तो टूटने नहीं देती वो स्टैमिना, रिश्तों को जोड़ के रखता है। वैसे कोई बहुत ही पथेटिक हरकत की डॉक्टर आजिया ने। देखो पूरे खानदान के आगे मुझे बेइज्जत करा दिया, और मैं सोच रही हूँ अब चुप करेगी अब चुप करेगी, लेकिन लगता है उसको तो मुझसे बदला ही लेना था। अरे लानत भेजी उनकी घटिया मेंटेलिटी पर। आपके खुद को अलगान करिए, मुंह फड़े खाइए। तो बात भी तो कोई उन्होंने इंतहा की गलत की है, कोई डॉक्टर ऐसी ऐज के ताने देते किसी को? देखो इस तरह की औरतें अगर डॉक्टर बन जाए ना तो इसी किस्म के ताने देती है अपने मरीजों को। हाँ अल्लाह ही बचाए से मसीहों से। अच्छे खासे खुशी के माहौल को नजर ही लगा दी अपने। सो शांत का इस बात पर दिल खराब ना करना प्लीज। बाद में तो उसकी सास ने उसका घर खराब करना है, बेहतर है पहले से सोच समझ कर फैसला करे ये लड़का। चाची तारा ऐसी लड़की नहीं है। रहने दो बेटा, बेटियां अपनी माँ का परतो ही होती हैं। अरे मुझे तो लगता है वो यहाँ करना ही नहीं चाहती उसकी शादी। तो ना करें, मगर किसी के घर आके उनका दिन तो खराब ना करें ना। माला जरा जाकर हाशु को तो देखो तुम, वो भी शाम से फिर रहा है इसी बात पर खफा होगा। एक तो उसका इस बात पे खफा होने का ना कोई तो समझ में नहीं आ रहा है मुझे, अजीब है घर वाले सारे। छा रही हुई और आपको भी पूरी दुनिया में डॉक्टर राजिया ही मिली थी दिखाने के लिए। और मुझे क्या बताओ, मुझे चाउन चौथ ले गया था उसका तो बस चलो। तो तारा को किसी भी लम्हे ना हाँ तारा बोलू चांद, वो आई एम सॉरी, मामा ने जो कहा उन्हें नहीं कहना चाहिए था, पापा ने तो घर आकर बताया है मुझे। इट्स ओके, डोंट वरी। तो नहीं क्या सोच रहे होंगे तुम्हारे घर वाले? यही सोच रहे हैं शायद तुम्हारी मामा इस रिश्ते के लिए खुश नहीं है, इसलिए ऐसा रिएक्ट कर रही है। तो नहीं क्या चाहती हैं वो? तारा फिर बेहतर है कि तुम वही कर लो जो मामा चाहती हैं। क्या मतलब? देखो तुम्हारी मम्मा मुझसे रूढ़ हो, मेरी इंसल्ट कर ले, मुझे बुरा भला कहते मैं बर्दाश्त कर लूँगा यार, लेकिन 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 यार मेरी फैमिली या घर के किसी भी शख्स के लिए अगर वो कुछ बुरा भला कहेंगी या उसकी इंसल्ट करेंगी तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। आई एम सॉरी। पेशेंट को ओटी में शिफ्ट करवाएं। डॉक्टर फरिया से बात हो गई है। हाँ 5 मिनट में पहुंच रही हैं, स्क्रबिंग कराएंगी। बस मैं भी निकल रही हूँ। ओके तुम्हें क्या हुआ है? हॉस्पिटल जा रही हैं आप? हाँ इमरजेंसी है, कोई बात है क्या? कुछ नहीं जाएं आप। तारा क्या बात है? मुझे अब आपसे कोई बात नहीं करनी। फिर तुम्हारे बाप ने तुम्हारा दिमाग खराब किया होगा। वो तो सिर्फ दिमाग खराब कर रहे हैं मेरा, आप तो मेरी जिंदगी खराब कर रही हैं। वो तो तुम्हारी खुद ब खुद हो जाएगी उस चिड़ियाघर में जाकर, जहाँ तुम्हारा बाप अपनी 4 पॉलिसीज के बदले में दे आएगा तुम्हारा रिश्ता। मेरे पापा जितने ही बुरे क्यों ना, लेकिन वो अपनी झूठी अना और खुद साख्ता उसूलों के आगे कभी मुझे कुर्बान नहीं करेंगे। तुम चाहती क्या हो? मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पढ़ना इन शादीवादी के झंझटों में। अब पापा से कहें कि मुझे अमेरिका भिजवा दें वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए। जब आप लोगों में से किसी के साथ नहीं रहना। मैं डिसाइड कर चुकी हूँ, मुझे नहीं पढ़ना इन शादीवादी के झंझटों में। अब पापा से कहें कि मुझे अमेरिका भिजवा दें वो स्पेशलाइजेशन करने के लिए। जब आप लोगों में से किसी के साथ नहीं रहना। देखिए डॉक्टर तारा अभी नहीं आ सकती, वो घर पर है, आप प्लीज समझाएं अपने बच्चे को। देखिए मैडम ये क्या बात है डॉक्टर सना? मैम इनका बच्चा वार्ड 5 में है, काफी अटैच्ड है डॉक्टर तारा से, जिद कर रहा है कि उसके हाथ से ही मेडिसिन लेगा वो। दरअसल डॉक्टर तारा बच्चे से बहुत प्यार करती है ना, इसलिए। अच्छा ठीक है आप जाएं बच्चे के पास, मैं अभी आती हूँ। थैंक यू डॉक्टर सनम। क्या नाम है? हाँ चांद, उसका नंबर है तुम्हारे पास? जी खैरियत।
मुझे व्हाट्सएप करो। अरे यार बस इसी की कसर रह गई थी, बंद कर दो। मच्छू ने दो बंदे बुलाए हैं ट्रायल के लिए। और तुमने किसे बुलाया हुआ ट्रायल के लिए? बंद करना यार मेरे कान में बै 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 बै। भाई घर में ऑलरेडी इतना शोर है, मेरे गिटार से क्या होगा यार, वीडियो बना रहा हूँ। क्या मुसीबत है यार, मैं कहाँ फंस गया यार। वो एक मिनट, सासू माँ का मैसेज आया। डॉक्टर राजिया बात कर रही हूँ, 10 बजे मेरे हॉस्पिटल के ऑफिस में आकर मुझसे मिलो, हम वेटिंग। चलो भाई पेशी आ गई सुबह सुबह। मजीद इंसल्ट करनी होगी इन्होंने, कल का कोटा पूरा नहीं किया था ना। किस सियारे से ढूंढना है वैसे ना आंटी को? अरे बस यार अपनी बेटी के साथ फ्री में ही मिल रही है मुझे तो। ये जो फ्री की चीजें होती है ना ये ऐसी होती है। ओए तमीज से, मेरी होने वाली सासू माँ है, शादी के बाद क्या करूंगा। मामा 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 क्या काम कराना है, मैं आ गया। सॉरी यार। यार एक काम कर दे भाई, यार जाके मेरे कपड़े इस्त्री कर दे, मैं 15 मिनट और सो लूं यार, बड़ी टाइट नींद आ रही भाई। जाए बंद करो ये टन 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 टन, बड़ों की इज्जत ही करने नहीं आती है। चलो जाके कपड़े इस्त्री करो मेरे, और हाँ बाथरूम में पानी बहा देना, बड़ी बदबू आ रही थी कल। छोटा भाई होना भी जो ना मुसीबत है अल्लाह की कसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। बैठो, ये देखो। वाह, लेकिन मैम मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। टीचिंग हॉस्पिटल है न्यूयॉर्क का। अच्छा, लेकिन मैं बीमार भी नहीं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये मैं तुम्हारे लिए नहीं तारा के लिए दिखा रही हूँ। उसे क्या हुआ? उसे स्पेशलाइजेशन करना है यहाँ जाकर। अच्छा, लेकिन ये फैसला कब लिया उसने? कल रात। कल रात तो फोन पे बात नहीं, कल रात तो उसने मुझे नहीं बताया ये। इसीलिए तो बुलाया तुम्हें। मतलब? मतलब मैं बताना चाह रही थी कि मैंने सोचा है कि तुम्हारी और तारा की शादी कर दूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे हर शर्त मंजूर है आपकी। शादी के बाद तुम्हें और तारा को अमेरिका शिफ्ट होना पड़ेगा, मैं सपोर्ट करूंगी तुम दोनों को। क्या? मैं तारा को अकेले नहीं भिजवाना चाहती। अब तुम बताओ, तुम्हें मेरा ये फैसला मंजूर है? कबूल है, कबूल है। बैठो। Are you ready? Of course. हुकुम करें, जाना कब है? इतना क्रेज है जाने का? Well, frankly speaking, क्रेज मुझे अपने घर के अलावा हर जगह जाने का है, जहाँ थोड़ी खामोशी हो, you know, थोड़ा स्पेस हो मेरे पास, मैं सुकून से अपना काम कर सकूँ। तो जॉइंट फैमिली में कैसे रहते हो? मैम वो तो मजबूरी है ना, ऑप्शन ही नहीं है कोई मेरे पास दूसरा। ऑप्शन तो दे रही हूँ मैं तुम्हें। हाँ लेकिन ये ऑप्शन तो मेरे पास पहले से था, मुझे लगता था तारा नहीं मानेगी कभी। तारा नहीं तो बताया मुझे। Really? It is surprising to me. कल रात ही उसने मुझे बताया कि उसे स्पेशलाइजेशन के लिए बाहर जाना, उसी से तो आइडिया आया मुझे। What an idea, ma'am. I love it. मैम नहीं, मामा कहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ? Thank you, mama. Doctor, mama. लेकिन एक प्रॉब्लम है, स्पेशलाइजेशन के लिए एडमिशन नेक्स्ट मंथ हो रहे हैं, तो मुझे इसी वीक तुम दोनों का निकाह करना होगा। अरे मुझे चक्कर आ रहे हैं, मैं कहीं ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ? इस ख्वाब को हकीकत में बदलने का वक्त आ गया यंग मैन। अब तुम ऐसा करो कि आज शाम ही अपने पेरेंट्स को लेकर डिनर पर आओ हमारे घर, ताकि बाकी मामला तय किए जा सके।
कहाँ जा रहे हो? वो आपने कहा ना कि पेरेंट्स को ले आओ अपने। गुड लक। थैंक यू। मैं नहीं मम्मा का हूँ, मैं तो उड़ रहा हूँ। साइकेट्री डिपार्टमेंट ऊपर है। अरे नहीं डॉक्टर, पागल नहीं हूँ मैं। गुड न्यूज मिली है मुझे। आप वो तो नहीं है जिनके ट्विन्स बेबीज हुए आज? नहीं अभी तो नहीं हुए, लेकिन दो दो गुड न्यूज जरूर मिली है मुझे। डॉक्टर राजिया को जानती हैं आप? अरे उनको कौन नहीं जानता। बस मुझे भी जान ही नहीं, मैं उनका होने वाला दामाद हूँ। नाम मेरा सारिम गुलजार है, सन ऑफ गुलजार अहमद एंड द फ्यूचर हस्बैंड ऑफ डॉक्टर नैनतारा। आला आला आला। नैनतारा? ओ डॉक्टर तारा। लेकिन मैंने तो सुना उनका किसी से चक्कर चल रहा है। एग्जैक्टली मैं वही घन चक्कर हूँ। इस पूरे हॉस्पिटल का होने वाला दामाद हूँ मैं। दामाद लगता है जल गई। जिंदगी इतनी तेज चल रही है और मैं धड़कन की तरह धीमे 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 धीमे। शमसी भाई, चार आलू के पराठे, दो फ्रेश जूस, दो आलू के समोसे, दो पिज्जा, ये सब आपने मेरे खाते में लिख दिया? डॉक्टर तारा, जो खाया है वही लिखा है। मेरी तरफ देखिए, आपको लगता है कि मैं ये सब कुछ खाती होंगी? यहाँ तो आप सब खाते हैं। चलो मान लिया, लेकिन दो लार्ज साइज पिज्जा आप कैसे खा सकते हैं, ये साबित करें। देखिए डॉक्टर साहिबा, मैंने कोई खुद से थोड़ी लिखा है। आपने खुद से ही लिखा है, डॉक्टर से भी ज्यादा बुरी राइटिंग है आपकी। चले काटिए आप इसको। अरे चुप करो, देख भी रहे हो करप्शन क्लियर कर रही हूँ मैं। ये देखिए, ये लिखा है लास्ट फ्राइडे एक लार्ज पिज्जा। लास्ट फ्राइडे चार समोसे खाए थे हमने, याद करें आप पीले रंग का जोड़ा पहना हुआ था इस दिन, और मैंने आपको खुद कहा था कि भेड़ को पहले दे दे वरना ये आपको खा जाएगी, और समोसे में चटनी भी नहीं थी उस दिन। कुछ कुछ याद तो पड़ता है मुझे, हो सकता है कि मेरे मुलाजिम से कोई गलती हो गई हो। गलती नहीं, गलते के गलते किए आपने। चले काटेगी दोनों पिज्जा यहाँ से। जानू मेरी बात तो। रुक जाओ तुम, काटेगी वाला। अच्छा बाकी के आपके 1500 रुपए। अरे कौन से 1500, किसके 1500? ये 2000 रुपए आप रखे और 500 रुपए की आप गुलाब जामुन लिया तारा। तो सिपाही गुलाब जामुन गरम गरम होने चाहिए ताकि मुंह जल जाए, हमारा नहीं खिलाने वाले का। नाजो देखो तुम्हारा मतीद वाले क्या लाया है। पापा क्या लाया? वो सफू पापी तो प्रेग्नेंट होके बैठ गए, पूरे घर का स्यापा मेरे नाजो कंधों पर आ गया। अरे तुम ये देसी अंडे वाला बर्गर खाओ, कंधे मैं दबा दूंगा अपनी सरकार के। मते बात बोला करो, ये सस्ती फिल्मों वाले डायलॉग, घर में जवान जान बच्चे घूम रहे हैं। भाभी बच्चे अगर जवान हो गए तो क्या हम मर गए? और ये जो तुम देसी अंडे वाला बर्गर छुपा रहे हो ना मुझसे, इतनी बुरी नीयत नहीं है मेरी। नहीं वो भाभी को भी आधा बर्गर खिला देना, अब तो अच्छी खुराक की सख्त जरूरत है। मते भी आज ताना मारी गया मुझे। अरे छोड़ दो उसका पीछा, मुख्य मार मार कर तुमने इसका मलिदा बना दिया है। देखे ना जरा मेरे हाथों का हाल, पिछले हफ्ते गई थी मैं ब्यूटी पार्लर चोरी चोरी मैनीक्योर कराने, बेड़ा गर्क हो गया। अरे नाज मैं भी क्या करूँ, तबीयत मेरी कुछ ठीक नहीं लग रही है। अच्छा चलो मैं बना देती हूँ रोटियाँ, चलो जाओ। थैंक यू। सलीम मियां ये चोरों की तरह छुपने की नौबत क्यों आ गई? वो एक केटरिंग का ऑर्डर लेने जा रहा था। केटरिंग? पलटो पलटो। पलट गया बाबू भैया। तुम रात वाली बात पर अपसेट हो? है कौन सी बात? वही बात जिस पर तुम और सफो रात भर से गोशा नशीनी इख्तियार करके बैठे। नहीं कोई ऐसी बात नहीं है बाबू भैया। क्या यही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जिस पर तुम सारे घर से नजरें चुराते फिर रहे हो। वो देखिए बाबू भैया, नजरें चुराने वाली बात नहीं है, हम लोग जरा खानदानी तरीके से बताना चाह रहे थे, लेकिन भांडा फोड़ दिया बीच चौराहे में डॉक्टर राजिया ने। उनका तरीका गलत था, लेकिन तुम्हें भी बात को छुपाना नहीं चाहिए था।
उस सिचुएशन ही कुछ ऐसी बन गई थी बाबू भैया, आपको तो पता है हम खानदानी लोग हैं, ऐसी नीच हरकतें नहीं करते। सनकों तुम कहाँ हवा के घोड़े पे सवार हो? इतनी मुसीबत आ गई है बाबूजान। लगता है कोई ब्रेकिंग न्यूज आने वाली है। क्या हर वक्त एक्सरसाइज करते रहो, थकते नहीं हो क्या? फिटनेस के लिए जरूरी है। मुझे देखो, मैं तो नहीं करता, मेरी तो फिटनेस है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। कुछ रहो खाने के लिए? अंडे वाले बर्गर की खुशबू आ रही थी, लगता है किचन में किसी ने बनाया, चेक तो करो। लाया अंडे वाला बर्गर। रूमी मैंने पहुंच गई अपने प्रिया के घर, जहाँ पे मेरा स्वीटू हाशू मेरा वार्मली वेलकम करने के लिए बेचैन है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, यहाँ क्यों आ गई मुंह उठा के, और ये इतना ज्यादा सामान किसका है? कुछ है इंडियन वन लाइफ थी। अब सुखे ना पापा की परी मेरा मजाक उड़ा रही होगी यार। उड़ाती रहे मजाक, मैंने कल स्टेटस लगा दिया था कि हमारा ब्रेकअप हो गया। वाकई मुझे छोड़ दोगे? तो ब्रेकअप का क्या मतलब होता है? ओ स्वीटू प्लीज डोंट ब्रेक माय हार्ट, वरना मैं जा रही थी साइड में। रोने प्लीज प्लीज छोड़ दो, सही है। 10 मिलियन फॉलोअर्स अब मेरा मजाक उड़ा रहे होंगे। सारे तो ऑनलाइन नहीं होंगे ना, मैं डिलीट कर देता हूँ। हाँ ठीक है, सामान रख दिया अंदर। इतना ज्यादा सामान क्यों लाई हो वैसे? क्योंकि मम्मा जा रही है ना कनाडा संडे को, और मैं अपने स्वीटू के बगैर नहीं रह सकती। तो छोड़ आई मैं वो गलियां जहाँ मिलकर हम वीडियोस बनाते थे। छोड़ रहे अंदर चलते हैं, गेट के अंदर चलते हैं। कुंकी हाँ कर लूँ। क्या कहा तुमने? मम्मा मान गई है। सच्ची? बन जाओ तुम अच्छी, ये तो खाओ। मैम राजिया की बात कर रहे हैं आप? खबरदार, ऑर्डर जारी किया उन्होंने कि मुझे मैम नहीं मॉम कहना आज से। मैं डॉक्टर राजिया की बात कर रही हूँ। जी हाँ, मैं अपनी होने वाली सास डॉक्टर राजिया की ही बात कर रहा हूँ, और मैंने प्यार से उनका नाम रख दिया है डॉक्टर मामा। मतलब तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने जानू, अगले हफ्ते हमारा निकाह दे ताली। ये बात यार, पागल तो नहीं होगा, नींद में तो नहीं हो? अरे किसी मेडिसिन का साइड इफेक्ट लग रहा है मुझे तो। क्या मतलब है आप दोनों का? मैं इतना बुरा हूँ कि मुझे मोहब्बत नहीं हो सकती किसी से? वैसे इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं। बेटा यही हो तो। बेटा तो मेरा फोन क्यों नहीं अटेंड कर रही थी? वो तो मेरा फोन शायद साइलेंट पे है। अच्छा तुम और डॉक्टर सनम ओपीडी में चले जाओ, मुझे घर के लिए निकलना है, क्योंकि आज सारिम की फैमिली को मैंने डिनर पर बुलाया। मैम इन्हें यकीन ही नहीं आ रहा कि हमारी शादी होने वाली है। फिर मैम मैंने कहा ना मुझे मामा कहो, अच्छा लगेगा। मामा? मामा डॉक्टर मामा। अच्छा सुनो, रात को डिनर के लिए तैयारी करो, और पालक पनीर बनाना ना भूलना, बाबू जान को बहुत अच्छा लगा। चलता हूँ। धीमे 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 धीमे। ये सब क्या था तनी? लगता है तेरे हनी के पीर बहुत पहुंचे हुए हैं, कंफर्म किसी तावीज का कमाल है, वरना डॉक्टर राजिया कहाँ लिफ्ट करवाती थी इस चाइना के वायरस को। तुमने मामा का स्टाइल चेक किया था? कैसे प्यार से बात की उन्होंने सारिम से, कहने लगी मामा को। समझ में नहीं आया मुझे ये मान कैसे गई। इस सवाल का जवाब तो गूगल भी नहीं दे सकता। खैर जो भी है, आज मैं इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ इतनी खुश हूँ, तुम्हारे तो केक ही डालने को दिल चाह रहा है मेरा। रफर लोग देख रहे हैं। देखते तो देखते रहे, सिग्नेचर स्टाइल है मेरा। सोच नहीं सकती कितना मजा आने वाला है मुझे चांदनगर में। फिलहाल ओटी चलो, उस खड़ूस डॉक्टर मंसूर की शक्ल देख कर भी ना बहुत मजा आएगा। यार बेटा ही कह दिया, मतलब बेटा। मैम नहीं मम्मा कहा करो, मुझे अच्छा लगेगा। अच्छा तो मुझे भी बहुत लग रहा है। अरे नाच मेरी जान नाच नाच। अरे वाह दिखा। हजार बार बता चुका हूँ मिनिस्टर के बेटे की बारात है यार, फंक्शन में अच्छा बजाना है। अरे मुझे मजा करो मिनिस्टर को भाई, अब तैयारी करो अपने हैंड से भतीजे की शादी की तैयारी करो। आज बजाओ सिर्फ मेरे लिए, बजाओ 1 2 3 4 हाँ हाँ चल 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 हो हो हाँ ये वाला
यार खुदा ने खौफ करे अंदर आग लगी हुई है, आप लोगों को मस्ती सूझी हुई है। अरे आग लगी हुई तो जाके फायर ब्रिगेड को कॉल करो, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहा है तू? अच्छी बंद कर दे अभी, ओवर एक्टिव और क्यों नाच रहे हैं यार, लॉटरी निकलाई है। अरे ग्रीन सिग्नल दे दिया मेरी सास ने शादी के लिए भाई, अंदर जो लाल बत्ती चल रही है खतरे की वो तो बुझा दे कोई। चांद अंदर जाओ यार, पानी की पूरी टंकी डाल दो उसके खतरे। हां किसपे खतरे? नहीं बोला क्या मैंने खतरे पे? अरे खतरे पे टंकी डलेगी आज, बजाओ खुशी का मौका है। छोड़ा अपने सुईटू के लिए। ये सुईटू कौन है मामा? मैं बताऊं तुम्हें कौन है? चलो अंदर उठो। आप एक काम करें, ये इमली वाइल्ड टॉफ का है, इससे सचमुच में रोना आता है। ये मोदी का ऑफिस कहीं बाहर शिफ्ट करना पड़ेगा, जब भी घर में कोई अहम काम होता है इसका बैंड बाजा शुरू रहता है। मैं मना करके आती हूं। आ जाओ। और ये तुम्हारी क्यों बत्ती से निकल रही है? मैं सोच रहा था कि हमारे ड्राइंग रूम को आप लोगों ने रेलवे स्टेशन की बना रखा है। इसलिए कि बच्चों ने जिंदगी को भी 24 घंटे की इंस्टा की स्टोरी या रील समझ लिया है। बाऊजान आई स्वेयर मेरी स्टोरी चेक कर ले, मैंने कल लगाई थी कि हमने ब्रेकअप कर लिया, आप चेक करें। वो 436 मरतबा पहले भी लगा चुके हो तुम। अंकल आशु कुछ भी कहे, मैं यहाँ पे आ गई हूँ मुस्तकिल। इतने सारे ब्रीफ केसेस लेकर, इसमें मेरे जूते हैं, इसमें मेरे कपड़े हैं, इसमें मेकअप है, इसमें टिकटॉक का सामान ज्यादा है। नहीं नहीं बहुत मुख्तसर है ये तो। आप इसकी वालदा से बात करें ना बाबू भैया। हाँ हाँ बेटा तुम अपनी अम्मी को फोन लगाओ। उनका नंबर तो मैंने ब्लॉक कर दिया। अस्तगफुरुल्लाह, बहुत ही गैर खानदानी हरकत की है तुमने। अरे बेटा हम तुम्हें नहीं रख सकते, तुम जाओ यहाँ से। क्यों नहीं रख सकते? ये मेरे हब्बी का घर है, हमारा निकाह हुआ है, मैंने तो इंस्टा पे स्टोरी भी डाल दी है। क्या यही के अनारकली अपने सलीम अंकल के घर चली? अस्तगफुरुल्लाह, इस हब्बी का तो मैं कीमा बना दूं। अरे छोड़े ना छोड़। बाऊजान आप अपने नंबर से इसकी वालदा को ट्राई करें ना फोन। चार बिल्कुल सही कह रहे हैं सलीम, कॉल लगाओ। नहीं अंकल, अगर आपने ऐसा किया तो मैं स्विमिंग पूल में छलांग लगा के खुदकुशी कर लूंगी। स्विमिंग पूल में छलांग मार के कौन मरता है? मैं कौन सा मरने के लिए खुदकुशी कर रही हूँ? ए तुम फिर आ गई? मामा आपको डैडी बुला रहे। अरे जाओ भाई, तुम दो चार घंटे तुम्हें ना देखे ना तो वो भी डैडी होने लगता है। जाओ चलो मेरे साथ। अरे बाऊजान आप सुकून से अपने कमरे में जाके क्यों नहीं बात करते इसकी मम्मा से? अरे इस मती और इसके बैंड के होते हुए सुकून तो हम सबको कब्र में मिलेगा। अरे यार तुम नंबर दो ना, किसकी कॉल आ रही? मैं आ रहा हूँ। मैं दे रहा हूँ। तुम आराम से बैठ के केले खाओ, बैठो। इतनी मुश्किल से मैं होटी से निकल कर आई हूँ ना, सच सच बताओ क्या गीदर सिंह की सुंघाई है तुमने मामा को? मुझे तो अभी तक यकीन नहीं आ रहा। डॉक्टर नैन तारा आपने हल्का ले लिया है इंजीनियर सारिम गुलजार को। ओ इंजीनियर साहब कम टू द पॉइंट, सच सच बताओ क्या बात हुई तुम्हारी उनसे? बात असल तो शाम में पता चलेगी जानू। अच्छा ए चांद फिर बंद कर दिया। आज मुझे बड़ी खट्टी खट्टी डकारें आ रही हैं और मेरे कमर में भी बहुत दर्द हो रहा है। अरे जरा तारा को फोन मिला, कोई मेडिसिन पूछ। चाची मैं ये खट्टी खट्टी डकारों के बारे में पूछता हूँ अच्छा लगूंगा क्या? घर में कोई चूरन रखा होगा वो खा ले आप। अरे 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 चाची, पहले तो मेरी चीती खा। खुदा का खौफ करे चाची, अब मेरी शादी होने वाली, बच्चा थोड़ी हूँ मैं कोई यार। कितना ही बड़ा हो जाए, अरे 10 बच्चे हो जाए तुम हमारे लिए बच्चे ही रहोगे। ताई अम्मा नीचे, अम्मी आपको जल्दी से बुला रही है क्योंकि नीचे शाही इज्जत तैयार आया है। डॉलर के बच्चे, बड़ों के लिए ऐसी बातें नहीं करते, बुरी बात होती है। पहले बड़ों को समझाएं कि बच्चों से ऐसे बात नहीं करते। तू बकवास बंद कर और मुझे जल्दी से तारा से मेडिसिन पूछ के बता। आ जा बेटा। ये तुम्हारे मौजे से इतनी गंदी बदबू क्यों आ रही है? रिवीसी नाम की कोई चीज ही नहीं है इस घर के अंदर तो यार, बताओ। अच्छा खासा रोमांस कर रहा था, खट्टी खट्टी डकारे, मौजे की बदबू। न्यूयॉर्क चला जाऊंगा ना तो सेल्फी भेजा करूंगा इन लोगों को। ऐसी गंदी औलाद जो माँ को ब्लॉक कर दे, ऐसी को तो हलाल कर देना चाहिए छुरी से। खुदा का खौफ करे, इकलौती औलाद है आपकी। अकलौती औलाद भी होनी चाहिए, चलता फिरता इमोशनल बम होती है। हर ख्वाहिश पूरी की है मैंने इसकी, पूछे इससे, और इसने माँ को क्या सिला दिया है? पकड़ कर ब्लॉक कर दिया। आउट कर दिया। आउट नहीं कर दिया बेटा, ब्लॉक कर दिया। मैं गेम खेल रहा हूं, प्लीज मुझे कोशिश ट्रेड करने दें। बहन जी आप इन बातों को ब्लॉक, मतलब इन बातों को छोड़ें और सलूशन पे ध्यान दें। चूल्हे में गया सारा सलूशन, अगले इतवार को मेरी फ्लाइट है, आंधी आई है तूफान है, अब ये शाहीन जेट त्यारा तो नहीं रुकने वाला। तो छोटे जेट त्यारे का क्या करना है फिर? ये आपकी बहू है, आप जाने या ये जाने? लो जाने ना जाने, गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। अरे बहन हमें भी कुछ लोगों को मुंह मत्था दिखाना होता है। तो मसला क्या है, दिखा ले जरा, अच्छा मेकअप करवा ले अपनी देवरानी से। वैसे कोई खास अच्छी सर्विसेज नहीं है आपके पार्लर की भी। ब्राइडल वीक में सेकंड आई थी हमारी ब्राइड। अच्छी होती तो फर्स्ट ना आ जाती। मत्ती
आप तो लगता है नाश की परवाह से जल गई हैं। अच्छा खैर अब देखें काम की बात करते हैं। भाई जो इन्होंने कारनामा अंजाम देना था अब कर दिया, अब क्या कर सकते हैं। काम की बात तो यही है, या तो हमारी लड़की रख ले या अपना लड़का दे दे। स्पाउस वीजे पर इसको भी टिकाने की कोशिश करूंगी। मैं इधर ही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा अपने खानदान को छोड़ के। निकाह के वक्त खानदान याद नहीं आया। सलीम ये गैर जरूरी ताने छोड़ो। बहन जी हम एक कंबाइन फंक्शन कर लेते हैं परसों ताकि ये मसला खत्म हो। बाबू भाई मेरी कंडीशन भी तो देखे ना आप। आपकी कंडीशन को क्या हुआ है, हट्टी कट्टी तो है। अरे हिम्मत करो सफो, वरना रोज बरोज कोई ना कोई तमाशा लगा रहेगा। अच्छा है कि हम इस मसले को सिरे लगा दें। हॉल शॉल की बुकिंग और खाने छाने का इंतजाम तो आपके घर में हो जाएगा। आफ्टर ऑल फेमस बाबू वेडिंग वेल्स के मालकान का घर है, तो मजाक की बात तो है नहीं। एक सेकंड, इंपॉर्टेंट कॉल। मैं डॉक्टर राजिया सफो। तो फिर डन हो गया, परसों हम रिसेप्शन देंगे, ठीक है? लेकिन अंकल मेहंदी और ढोलक भी होनी चाहिए, वरना लोग मजाक उड़ाएंगे ना। अरे बीबी सब होगा जैसा बाऊजान कहेंगे। लेकिन इतनी जल्दी मेरा बैंड कैसे तैयार होगा? अरे तुम्हारा बैंड तो बगैर तैयारी के बजता रहता है वक्त। चले ये बात तो पक्की हुई, कल हम आपके घर आ जाएंगे। दिन के वक्त मेहंदी और माइयों का शगुन हो जाएगा। अच्छे इंतजाम कीजिएगा, आफ्टर ऑल 10 मिलियन फॉलोअर्स है मेरी बच्ची के। ये क्या 10 मिलियन फॉलोअर्स आएंगे क्या? नहीं नहीं मच्छू, खुफिया रखेंगे बात को, वरना तो आपको पता है फैंस को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐडा तू हुमायूं सईद। बस अब अल्लाह नजरें बच से बचा ले, वरना हरकतें तो इन दोनों ने नजरें लगने वाली ही की हैं। हाय सफो, तो तेरा अंग्रेजी वाला सबर शुरू हो गया। जी जी डॉक्टर साहिबा, हम ताबेदार हम गुलाम, आप हुक्म करें हाजिरी हो जाएगी। जी जी, अरे आखिर हम खानदानी लोग हैं। ये किस डॉक्टर के मरीज बने हुए तुम्हारे अब्बा हजूर? जान भैया की होने वाली सास। आप बात करें, कितने डबल स्टैंडर्ड हैं इधर वालों में। एक सास को सर पे बिठा रखा है और दूसरी सास को जूती की नोक पे। नहीं नहीं आंटी ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रॉमिस। इसका सामान रखो मेरी गाड़ी में। नहीं वापस लाना ही है, परसों तो रहने दे। थैंक यू स्वीटू। अच्छा जल्दी से पिक अपलोड कर देते हैं ताकि सबको पता चल जाए हमारे पैचअप के बारे में। नहीं नहीं पता है, अपडेट नहीं देते सोशल मीडिया पे, संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अरे मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी मुश्किलों के साथी, कैसी हो? बहुत थक गए आज पापा। जल्दी से ये ओटी का ड्रेस चेंज करो, घर जाना है। ऐसे ही चलते हैं पापा, आज हिम्मत नहीं हो रही। ठीक है ऐसे ही चलेंगे। बेटा ये बताओ तुम्हारी माँ के सर में लेटली कोई चोट वोट तो नहीं लगी? आपको भी इत्तला मिल गई डिनर की? अरे यार तुम यकीन करो, राजी का खुद फोन आया मुझे कि मैं तुम्हें हॉस्पिटल से पिक करूं और सीधे खड़ा आ जाऊं। कैसे मान गई वो? आई डोंट नो, उन्होंने चांद को बुलाया ऑफिस मिलने के लिए, उसके बाद पता चला कि तब्दीली आ चुकी है। बेटा ये जो तब्दीली आई है ना, इसके पीछे कोई ना कोई जहर आलूद प्लानिंग होगी उसकी। यार पापा मामा इतनी भी बुरी नहीं है, और अब आप दोनों को भी ना अपने इख्तलाफात खत्म कर लेने चाहिए, बहुत साल दूर रह लिया आप लोग। अरे बेटा तुम्हारी माँ को आदत ही नहीं है लोगों के साथ रहने, तभी तो ससुराल से जान छुड़ा ली शादी के फौरन बाद, और मुझसे जिद करती रही कि मैं अपनी बीमार माँ को छोड़कर उसके साथ रहूं। जानती हूँ दादी की बीमारी की वजह से आपने इनकार कर दिया, लेकिन पापा अब तो दादी भी नहीं रही और दोनों चचा भी कनाडा चले गए, इसलिए अब आपको कुछ सोचना चाहिए। अरे बेटा जैसे चल रहा है चलने दो, हल्की फुल्की मूसीकी के साथ। वैसे हम दोनों को अब आदत हो गई है अकेला रहने। मेरे जाने के बाद वो बिल्कुल तन्हा हो जाएंगी। शायद तन्हा रहने से उसको अपनी गलतियों का एहसास हो जाए, फिर मेरी कदर करने लगे। मोहब्बत तो आप आज भी उनसे बहुत करते हैं, वरना इतने अरसे में दूसरी शादी ना कर लेते। दिल को कहां कबूल है रिवाजों के फैसले, दिल तो मोहब्बतों के कबीले का फर्द है। अरे वाह पापा वाह वाह। चलो चलो आ जाओ शाबाश। कम ऑन आ जाओ। पापा ये सर्जिकल फॉर्म जरा मैं जमा करवा दूं। ठीक ये लीजिएगा। डॉक्टर कारा जी,
ये आपका है कल का ड्यूटी टाइम, तो ये आपने देख लिया, ये रोके। हाँ तारा, मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ, बस मुझे जल्दी से बताओ मैं जैकेट कौन सी पहनूँ। ये देखो, ये रेड कलर है, ये बेज है और ये ब्लैक है, कौन सी पहनूँ? बेटा ये रेड वाली तो बिल्कुल ना पहनना, डॉक्टर राजी जो है ना उनको रेड कलर से नफरत है। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़। है फिर भाग गया ये, हर बार मैदान छोड़कर भाग जाता है ये। आप फिक्र मत करें, भागने दूंगी मैं, आ जाए। माला, माला यार, माला तुम्हारा रंग में भंग डालना जरूरी है, तुम क्यों नहीं जा रही तारा के घर? कितने सेल्फिश हो ना तुम, जरा भी टेंशन नहीं है, फेडरेशन की तरफ से मेल्स पर मेल्स आ रही है मुझे। किस चीज की? अच्छा तो भूल गया कि बहन की सिलेक्शन हो चुकी है नेशनल बास्केटबॉल टीम में। अरे यार मुझे सब याद है, लेकिन घर में इतने महाज खुले हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा मुझे। यार भाई दो दिन है, कंसेंट फॉर्म साइन करके देना ही देना, नहीं तो ऑफर कैंसिल हो जाएगी मेरी। अच्छा आई प्रॉमिस, आज तारा के घर से वापस आके मैं भावजान से बात करूंगा। नहीं नहीं बात नहीं करनी, परमिशन लेनी है, भूलो मत मेरा सबसे बड़ा ख्वाब है ये। जान मैं क्या सोच रहा हूँ कि आज तुम्हारी सास के घर जा रहे हैं ना, तो मैं अपना नया बैंड वाला ले जाता हूँ यार, उसके ट्रायल हो जाएगा। रिश्ते के लिए जा रहे, बारात लेके नहीं जा रहे? अरे बारात में तो मैं 7 स्टार वालों का बैंड मंगवाऊंगा, ऐसा बैंड बजाएंगे बस सब देखते रह जाएंगे, मेरे वाले तो बस मेरी नाक ही कटवाएंगे। अरे यार आपकी नाक कटे या ना कटे, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचा ना तो डॉक्टर राजिया की लिस्ट से निकाल दिया जाऊंगा, चले ना सब लोग। यार मैं कैसी लग रही हूँ? माशाल्लाह ऐसा लग रहा है चांद जमीन पे आ गया। वैसे एक बात है, पूरे खानदान में सबसे बेस्ट कपल हमारा है। हाँ, बच्चों इतनी लंबे लंबे छोड़ते हुए दिल नहीं कांपता आपका? सच बोलने वाले धड़ल्ले से ही बोलते हैं, क्यों मत्ती? ना तुम्हारी परवाह से जलता है जमाना। चलो एक सेल्फी लेते हैं और फिर पूरे खानदान में अपलोड करके उनको जलाएंगे। अच्छा बस बहुत जला लिया, आप जाके भाऊजान को बुला ले प्लीज, और तुम आज बास्केटबॉल प्लेयर बन के मत जाना। सुनो अपनी चच्ची से पूछ लो ना, इनकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। हाय मत्ती मत क्या करे ना ऐसी बातें, आपको पता है नजर लग जाती नाच को। ये बात तो है, चलो आओ यार मैं जा रहा हूँ बाबू जान को। क्या बाबू भैया, चलो मैं तुम्हें तैयार कर दूंगा। प्लीज प्लीज माला चली जाओ यार, रेडी हो जाओ ना माला, टाइम नहीं है। क्या है यार, इसको चमका के लाती हूँ। हाँ भाई क्या बात है, घोड़ा तोता समंदर, मगर जाफर साहब आपकी तस्वीर नहीं नजर आ रही दीवार पे। अरे सलीम साहब, हम दीवारों पर नहीं दिल पर राज करने के कायल हैं। यो रजी छोड़ें फजूल बातें, आप मुझे ये बताइए कि आपने हाशिर की रिसेप्शन 24 घंटे के नोटिस पर क्यों रख ली? असल में हमारी समधन को जाना था क्या? अरे सर अगर मौलवी को बुला रहे हैं तो जान तारा को भी हाथ के हाथ निपटा देते हैं ना। बात तो ठीक कही आपने, लेकिन मैं चाह रहा था कि तारा भी हमारे घर की तकरीबात को खुलकर एंजॉय कर सके। हाँ अच्छी बात है ये, वैसे भी इन लोगों ने एक महीने तक तो अमेरिका चले जाना है। कहाँ चले जाना है? अमेरिका। अमेरिका? आज सुबह ही तो बात हुई है सारिम से, सारिम तुमने बताया नहीं अपनी फैमिली को? मैंने सोचा कि आप खुद सरप्राइज देंगी सबको। एक मिनट, ये कौन से सरप्राइज की बात हो रही है और मैं क्यों जाऊंगी अमेरिका? अरे भाई तुम्ही ने तो कहा था कि तुम स्पेशलाइजेशन करना चाहती हो बाहर जाकर, मैंने सारिम से बात की और सारिम को भी कोई एतराज नहीं है। चलो आ गई बिल्ली थैले से बाहर। मामा मैंने आपसे गुस्से में कहा था ये सब कुछ, और आपने सारे मामला भी तय कर लिए सारिम को बुलाकर। तारा इसमें प्रॉब्लम ही क्या है, मामा हमारी भलाई के लिए तो कह रही हैं। मामा का नश है हाँ। सारे स्पेशलाइजेशन में जरूर करूंगी, मगर यहाँ रहकर अपने मुल्क में अपनों के दरमियान। यही तो है वो अपनापन। बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी बेटी, और भला मैं क्यों अपनी बेटी को अपनी आंखों से दूर करूंगा भाई, इकलौती औलाद को अपनी आंखों से दूर नहीं करूंगा। अंकल कुछ अरसे की तो बात है। एक्सक्यूज मी सारे, मैंने ये शादी एक बार फिर तन्हा होने के लिए नहीं करनी है, अगर ऐसे ही करना होता ना तो डॉक्टर अशर बेस्ट ऑप्शन था मेरे पास। कौन डॉक्टर अशर? तारा तुम कहना क्या चाहती हो? देखो सारे, अगर मैं तुम्हारे खानदान का हिस्सा बनना चाहती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि मुझे ये मोहब्बत करने वाले रिश्ते चाहिए। थैंक्स फॉर द ऑनर। सदके जाऊं नजर ना लगे मेरी बच्ची को। सारे मैंने सारी जिंदगी अकेले बन के अजाब को झेला,
और तुमने सोच भी कैसे लिया? मैं इतने प्यार करने वाले बाऊजान, तुम्हारी जान छिड़कने वाली चच्ची और बहन भाइयों से अलग होकर अपनी एक अलग दुनिया बसा लूंगी? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं है। नहीं, सेल्फिश नहीं हूं मैं। क्या हीरा लड़की है, क्या तरबियत की है आपने इसकी। इधर आओ बेटा। सचमुच मेरी तो आंखों में आंसू आ गए। इधर आओ बेटा। जीत ही रहा, दिल जीत लिया तुम। चांद और मैं तारा।